ये जो तालाब दिख रहा है, इस तालाब से मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो का शायद टाइटल डालने वाला हूँ, माई लाइफ स्टाइल इन माई विलेज। तो मैं सब कुछ तो नहीं बता पाऊँगा शायद इस वीडियो में, और सब कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। और ऑब्वियसली मैं मुंबई से यहाँ पर आया हुआ हूँ, अपने गाँव में, यूपी में, यूपी के देवरिया में एक्चुअली। तो ऐसे में बहुत कुछ बता पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है। फिलहाल मेरी जो लाइफ स्टाइल है, जो गाँव के करेंट लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी यहाँ पे आने के बावजूद भी। बट बाय द वे, इस तालाब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस तालाब में मैंने मछलियाँ पकड़ी हुई है। जी हाँ, मैं मछलियाँ पकड़ता था, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हुई हैं। इसमें नहाया भी हूँ इनफैक्ट, और इसमें नहाने के लिए बहुत ज़्यादा मार भी पड़ती थी हमें चाचा से मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर भी हम आदी थे ना कि हमें नहाना है इसमें, और नहाते थे हम इसमें, और मछलियाँ भी पकड़ते थे। नाव पहले चला करती थी, फिलहाल अभी नाव नहीं चल रही है, नाव चला करती थी और नाव में नहाया जाता था। और फिलहाल इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा क्लीन है, और यहाँ पे कहीं पे भी जलकुंभी वगैरह ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। पहले बहुत हुआ करता था ये, और ये है खेत जो कि है गेहूं का, गेहूं वो गया है यहाँ पे, और फिलहाल काली माई का छोरा वो रहा पीछे। और यहाँ तक आना पहले बहुत ज़्यादा बड़ी बात लगती थी, आज से एक आध साल पहले तक लगता था कि यार इतना दूर जा रहा हूँ मैं वहाँ से यहाँ चल के आना, क्योंकि कदम छोटे छोटे हुआ करते थे और हम भी छोटे हुआ करते थे। पर अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है ना, दुनिया सिमट के बहुत पास आने लगी है। आई डोंट नो, मतलब दूर की भी चीज़ें ना, पहले लगता था अरे वो प्लेस वो तो इतनी दूर है, लेकिन अब ऐसा अरे अच्छा वहाँ पे है क्या, ठीक है चाहे वो कितनी भी दूर हो। क्योंकि अब ना हमारी सोच बड़ी हो रही है वक्त के साथ, सिर्फ उम्र के साथ नहीं, वक्त भी बहुत ज़्यादा बदल रहा है। और ऐसे में कल्चर्स के गाँव का है, और कल्चर्स की बात ना करें तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। कल्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, 21वीं सदी में ज़रूर हम हैं, बहुत कुछ ज़रूर बदल रहा है, लेकिन हम, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारे कल्चर्स को हम जब तक संभाल सकते हैं तब तक हमें संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि जो मेरे पापा कल्चर्स फॉलो करते हैं उतना ज़्यादा तो मैं भी नहीं फॉलो करता रहूँगा, उनसे थोड़ा कम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने कल्चर को संभालता हूँ तो मेरी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी वो हालांकि मुझसे कम करेगी, लेकिन कंपेयर टू ऑल थोड़ा ज़्यादा करेगी। मतलब मैं जितने अच्छे से मेरा कल्चर संभाल के रखूँगा ना, मेरी अगली जनरेशन उस पे उतना ही ज़्यादा फोकस करेगी, और वो भी उस हिसाब से, उसके कंपेरिजन में उतना अच्छे से संभाल के रखेगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट।